वेलकम टू कुकुश्रद्धा। मेरा नाम है श्रद्धा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज से बहुत साल पहले जब हमारी दादी और नानियों का जमाना था, तब रेडीमेड मसाले या पैकेट में जो आजकल हमें बहुत रेडीली अवेलेबल पिसे हुए मसाले मिलते हैं, वो नहीं मिलते थे। आजकल हम जहां भी जाते हैं, मॉल्स में या कहीं पे भी या किसी भी सुपरमार्केट में, आप देखिए मसाले की एक पूरी रेंज होती है। पाव भाजी मसाला, सांभर मसाला, सब्जी मसाला, ये मसाला, वो मसाला। लेकिन जब मेरी मम्मी बताती कि जब वो छोटी थी तब ऐसे मसाले पैकेट में नहीं आते थे, वो लोग खुद अपने मेजरमेंट के हिसाब से मसाले कूटते थे, उसी टाइम फ्रेशली कूटते थे और वो बनाते थे, कभी कभी स्टोर भी करके रखते थे। तो आज मैं उनमें से एक रेसिपी जो बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही एंशियंट है, जो पुश्तों से चली आ रही है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो है सब्जी मसाले की रेसिपी। बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट्स के साथ टेस्ट बिल्कुल एक्सीलेंट आएगा। अगर आप ये मसाला अपने घर में ये बना के रखेंगे और इनसे बनी हुई कोई भी चीज में इसको यूज करेंगे, जिसमें आप ये सब्जी मसाला या किचन किंग मसाला आप डालते होंगे, उसमें अगर इस मसाले को आप डालेंगे, यूज करेंगे, तो टेस्ट में आपको 100% फर्क दिखेगा। लेकिन मेजरमेंट्स का ध्यान रखिएगा, जो मेजरमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ और वो वैसे ही अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका मसाला बहुत ही अच्छा बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं सब्जी मसाले की रेसिपी। सब्जी मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप खड़ा धनिया लिया हुआ है, उसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक चम्मच सेंधा नमक, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच काली मिर्च, दो तेज़पत्ता, तीन बड़ी इलायची, ये 2 इंच का टुकड़ा ये मैंने दालचीनी का लिया है, साथ ही साथ आधा चम्मच शाही जीरा, 10 हरी इलायची, थोड़े से जावित्री, 10 लौंग और एक चने के दाने के बराबर ये मैंने जायफल लिया हुआ है। ये हमारी सारी सामग्री हो गई है और अब हम इसको जो है वो ड्राई रोस्ट करेंगे सारे मसालों को। दोस्तों, एक्यूरेट मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, तो आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ताकि वो हमारे आपके पास हमेशा सेव रहे। और जितना मैंने क्वांटिटी बताई है वो आप उसी के हिसाब से आप इसमें डालिएगा, आपका मसाला बिल्कुल ठीक बनेगा। आप इसको नॉनवेज में यूज़ कर सकते हैं, नॉनवेज में जब आप मसाले डालते हैं आप सिर्फ यही मसाला डालिए और हल्दी डालिए, देखिए आपका पूरा परफेक्ट टेस्ट आएगा। एक बार आप इस मसाले को आप ट्राई करेंगे तो आप बार बार इसको बना के रखेंगे, ये गारंटी मेरी है फ्रेंड्स। तो बस एक एक करके मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं और अब मैं इसको ड्राई रोस्ट कर लूँगी थोड़ा सा, ताकि जब हम मसाले को स्टोर करके रखेंगे, अगर हम इसको ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे तो मसाले फिर ख़राब हो जाएंगे और वो ठीक से पिसेंगे भी नहीं मिक्सी में। तो बस इसको मीडियम फ्लेम में हल्का सा रोस्ट कर लीजिए 2 से 3 मिनट तक। और इस मसाले को आप चाहे नॉनवेज में डालिए, चाहे आप कोई ग्रेवी की सब्जी जो बना रहे हैं, इंडियन ग्रेवी जैसे हमारी हो गई गोभी की सब्जी या मटर पनीर या कुछ भी जो ग्रेवी में आप ग्रेवी बना रहे हैं, आप उसमें ये मसाला डाल सकते हैं। जैसे कि हम अलग अलग मसाले डालते हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, तो उन सब के अलावा आप सिर्फ यही एक मसाला डालिए अपने अंदाज से और देखिए आपकी सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, ये मेरी गारंटी है। और मैं आगे अपनी बहुत सारी रेसिपीज़ में ये सब्ज़ी मसाला जो है वो यूज़ करूँगी, तो इसीलिए मैं आपको आज ये रेसिपी बता रही, ताकि आप हमेशा अपने घर पे ये मसाला बना के रखें और आप फिर आपको लगेगा कि कितना यूज़फुल ये जो मसाले का रेसिपी वो मैं बता रही हूँ। बहुत पुरानी और बहुत एंशियंट रेसिपी है। मैं आपको बता दूं कि ये मेरी नानी बनाती थी ये मसाला, और उन्होंने अपनी नानी ने अपनी मम्मा से सीखा होगा कहीं बहुत पहले, तो सोचिए आप ये कितनी पुरानी और कितनी परफेक्ट रेसिपी है ये। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये रेसिपी मेरी बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, कमेंट भी करिए, और अगर आपको कोई मुझसे क्वेश्चन पूछना है या कुछ भी आपको रेसिपी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप रेसिपी के नीचे कमेंट बॉक्स में भी मुझे लिख के भेज सकते हैं, मैं सब क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर देती हूँ। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, और फेसबुक की आईडी भी दी हुई है, तो आप उसमें भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा मसाला जो है वो भुन चुका है, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं गैस को ऑफ करके इसको थोड़ी देर ठंडा कर लूँगी, और इसको अब ये ठंडा हो चुका है मसाला, और अब इसमें मैं 1 चम्मच सेंधा नमक डाल दूंगी। सेंधा नमक डाल के पीसने से जो मसाला, अब मैं इसको स्टोर करना है क्योंकि अब एयरटाइट कंटेनर में जार में रखना है, तो जब हम नमक डालेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा,
कोई कीड़े वगैरह वो सब नहीं लगेंगे, इसीलिए हम इसमें नमक डाल के इसको पीसते हैं। तो ये मैंने पीस लिया है मसाले को, और ये हमारा जो है वो सब्ज़ी मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको आप एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके 1 से 2 महीने तक आराम से रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। और आप इसको पोहा में डालिए, सब्जियों में डालिए, ग्रेवीज़ में डालिए, नॉनवेज ग्रेवीज़ में डालिए, किसी में भी आप इस सब्ज़ी मसाले को यूज़ कर सकते हैं। और अपना फीडबैक ज़रूर मुझे लिख के बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको मेरी ये सब्जी मसाले की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ये बहुत अच्छी रेसिपी है दोस्तों, मैं आप सबके रिक्वेस्ट करूंगी कि ये आप जरूर अपने घर पे बना के रखिए। मेरी आने वाली बहुत सारी रेसिपीज ऐसी होंगी जिसमें मैं ये मसाला यूज करने वाली हूँ, तो इसलिए अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो ये मसाला जरूर अपने पास बना के रखिए, ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज में आप इसको यूज कर सकें। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर मसाले का कोई भी पार्ट या कोई भी मेजरमेंट छूट गया हो तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में लिखा हुआ है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिसमें आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगली रेसिपी पे, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा याद रखिए दैट हैप्पीनेस इज